नमस्कार दोस्तों, बुडानी आईएएस के एबी प्लस टीवी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस संस्था की स्थापना बुडानी आईएएस के द्वारा आप लोगों को इस आधुनिक तकनीकी के युग में और इस इंटरनेट के युग में अनेक सामग्री उपलब्ध होने के दौरान आपको तटस्थ योग्य और जो बेहतरीन सामग्री है उस सामग्री को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई है। ये संस्था राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक उद्देश्यों से स्थापित की गई है। इसमें इन्हीं तीन पहलुओं के आधारित चीजों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार को विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमों की श्रेणी में एबी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम प्रतिदिन रात 9:30 आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि जो भी करंट अफेयर से जुड़े मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर एक दृष्टिकोण को विकसित करने का। यहाँ लाइव प्रसारण किया जाता है और जो नियमित मुद्दे व्यवहार में चर्चा में रहते हैं उन्हीं मुद्दों पर एक दृष्टिकोण को स्थापित किया जाता है। प्रत्येक विषय को पढ़ने के पीछे एक व्यवहारिक दृष्टिकोण संस्था के द्वारा अपनाया जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम में उस मुद्दे की चर्चा में होने के मूल कारण, उस चर्चा के साथ साथ उस मुद्दे की पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति के साथ साथ एक दृष्टिकोण प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करने वाले छात्रों का कैसा होना चाहिए, उस दिशा में हम लोग कार्य करते हैं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। तकनीकी कारणों से इसका दोबारा प्रसारण किया जा रहा है। आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात करोगे तो देश की सरकार ने हाल ही में 1985 से पूर्व इस देश के अंदर निर्मित 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को परिवर्तित कर दिया है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। लगभग 33 साल बाद देश की सरकार ने एक साहसी कार्य किया है और देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बदला है। देश में वर्तमान में इसकी आवश्यकता थी। हालांकि हमारी सरकार इन कार्यों में पिछड़ी है, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टिव गवर्नमेंट है, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट नहीं है। यही मूल कारण है कि एक इस कानून की आवश्यकता जिसकी 1990 के दशक में अंत में थी या 2000 के शुरुआत में थी, उस कानून को आज 19 साल बाद लगभग पेश किया जा रहा है और संशोधन 33 साल बाद हुआ है। यानी देश में नियम 33 साल पूर्व थे। यही कारण था इस कानून की आड़ में अनेक शोषण होते थे। ऐसे में हम लोग वर्तमान युग की बात करें तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जहाँ बिना निजी क्षेत्र के विस्तार होने की संभावना नहीं है। पूंजीवाद के दृष्टिकोण में बात करें तो निजी क्षेत्र केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। ऐसे में उपभोक्ता शोषण एक प्रमुख मुद्दा वर्तमान से इस देश में रहा है। हम लोग चर्चा में है, इस मुद्दे के चर्चा में मूल होने का कारण यह है कि हाल ही में सरकार ने इस संशोधन को परिवर्तित करकर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में परिवर्तन किया है। उन महत्वपूर्ण पहलुओं में पहला पहलू है कि ई कॉमर्स यानी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं या ऑनलाइन परचेजिंग अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाओं के माध्यम से करते हैं, उसके लिए कुछ नए नियम लाए गए हैं। इसके साथ साथ उपभोक्ता के अधिकारों को अधिक मजबूत करने के दृष्टिकोण में कुछ नए अधिकार और कानून में परिवर्तन किए गए हैं। इसके साथ साथ पहली बार देश में केंद्रीय स्तर की एक नियामक संस्था का गठन किया गया है। जैसे क्रिकेट को बीसीसीआई रेगुलेट करती है, ऐसे ही अब एक संस्था होगी जो उपभोक्ता अधिकारों को रेगुलेट करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण और साहसी कदम इस सरकार की तरफ से माना जा सकता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पहलू जो बहुत जरूरी था कि इस देश में जितने भी गलत तरीके के प्रचार किए जाते थे, जितने भी अभिनेता, क्रिकेटर, इन सभी के द्वारा, अब उनके ऊपर भी एक पेनल्टी निर्धारित की गई है कि कोई भी गैर उपयोगी या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दावा किया जाता है कि इस क्रीम का प्रयोग करने से आप गोरे हो जाएंगे और इस देश की संस्कृति के लिए अनेक चुनौतियां पैदा की जाती हैं। किसी अमिताभ बच्चन के द्वारा दावा किया जाता है कि इस ब्रोनविटा को पीने से हाइट बढ़ जाती है। किसी अभिनेत्री के द्वारा दावा किया जाता है कि इस तरीके की क्रीम का प्रयोग करने से या कॉस्मेटिक का प्रयोग करने से आपके अंदर विश्व सुंदरी झलकने लगेगी। पर यह विश्व सुंदरी झलकने की जो चाहत है 125 करोड़ की इस आबादी में निरंतर बढ़ रही है और इस निरंतर बढ़ने से इस पूंजीवादी युग में सांस्कृतिक पतन के साथ साथ आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं और सामाजिक शोषण का भी शिकार इस देश में बढ़ रहा है। ऐसे में कानून की सख्त आवश्यकता थी। इसी दृष्टिकोण में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया है। हम लोग एक पृष्ठभूमि देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कहानी क्या है। सर्वप्रथम पूरे विश्व में कंज्यूमर राइट्स की बात करेंगे, उपभोक्ता अधिकारों की बात करेंगे तो अमेरिका वो पहला राष्ट्र था जिसने उपभोक्ता अधिकारों की पालना की, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही पूंजीवाद का समर्थक था। एक बाजार की जब बात करते हैं तो एक उपभोक्ता होता है, दूसरा जो आपका विक्रेता होता है। बायर और सेलर जिस जगह मिल जाते हैं उसको हम बाजार कहते हैं। इस बाजार का झुकाव सदैव विक्रेता की तरफ होता है क्योंकि वो संगठित होता है और जागरूक होता है। यही कारण है कि पूंजीवादी युग में कीमत की प्रतिस्पर्धा से अधिक गुणवत्ता और दुष्प्रचार की प्रतिस्पर्धा होती है।
इस दुष्प्रचार की प्रतिस्पर्धा की वजह से ही बहुत सी कंपनियां दुरुपयोग करती हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनीज के व्यवहार को देखा जाए तो भारत जैसे राष्ट्र के प्रति इनका व्यवहार अलग है। दुनिया में हो सकता है कि मैगी बनाने वाली कंपनियों नेस्कैफे का सिद्धांत हमारे लिए अलग होगा, दुनिया के लिए अलग होता है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का व्यवहार भारत के लिए अलग है, दुनिया के लिए अलग है। कारण है भारत सरकार के कठोर नियमों का अभाव था और इन नियमों के अभाव में ही ये बड़ी कंपनियां भारत में उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं। भारत वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा बाजार है जिसकी तुलना अन्य राष्ट्रों से की जा सकती है, लेकिन इस तुलना के अंदर ये कतई साबित नहीं किया जा सकता कि भारत जैसा बाजार दुनिया में कहीं और विकसित होगा, क्योंकि बड़ी संख्या होने के साथ साथ 2/3 से अधिक आबादी युवा है, जिसके अंदर संभावनाएं भरी हुई हैं, जिसके अंदर इच्छा शक्ति भरी हुई है। सीमित संसाधनों के युग में ऐसे पूंजीवादी संस्थाओं की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में अमेरिका जैसे राष्ट्र ने इस कानून को बहुत पहले ही अपना लिया था, लेकिन सन 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कंज्यूमर राइट्स से संबंधित एक प्रस्ताव पारित कर दिया, अर्थात संपूर्ण विश्व में 1985 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों को मान्यता वैश्विक मंच पर मिल गई थी। इसी दृष्टिकोण में भारत सरकार ने भी सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, एक कानून पारित किया जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए संरक्षण से संबंधित। परंतु इस कानून की उपयोगिता सबसे अधिक सन 1991 के बाद पहुंची, जब 1991 में भारत सरकार ने राम मनमोहन मॉडल को अपनाया। राम मनमोहन मॉडल इस देश की तीसरी औद्योगिक नीति थी। इस औद्योगिक नीति का जो मूल फोकस एरिया था वो केवल पूंजीवाद का क्षेत्र था। ऐसे में पूंजीवाद पर केंद्रित होने की वजह से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की उपयोगिता सन 1990 के बाद अधिक बढ़ गई। इस देश में वर्तमान में कुल 6 उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं। उन उपभोक्ता अधिकारों की बात करें तो पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। दूसरा अधिकार है सुने जाने का अधिकार, राइट टू बी जो हियर्ड है। तीसरा अधिकार है राइट टू बी इन्फॉर्मेशन, यानी आप कोई भी उत्पाद खरीदते हो तो उससे संबंधित सूचनाएं आपके साथ साझा की जानी चाहिए। चयन का अधिकार आपका चौथा जो कंज्यूमर राइट है या उपभोक्ता अधिकार है, उसके साथ साथ आपको शिक्षा दी जानी चाहिए, कंज्यूमर एजुकेशन भी एक राइट है। और एक अंतिम जो छठा अधिकार है कि आपके द्वारा आप कोई उत्पाद खरीदते हैं, उस उत्पाद का अगर उत्पाद गलत होता है या उसमें किसी तरीके की आप कह सकते हैं डिफेक्ट होता है, तो उसे परिवर्तित किए जाने का या उसकी उचित कीमत आपको वापस लौटाए जाने का अधिकार है। इस प्रकार ये 6 प्रमुख अधिकार हैं जो आप लोगों को दिए गए हैं। लेकिन आंकड़े दर्दनाक हैं और इन आंकड़ों की बात करें तो यही शायद कारण है कि 33 साल तक हमारी सरकार ने इस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया। आंकड़ा कहता है कि देश में प्रत्येक जिला के स्तर पर एक कंज्यूमर कोर्ट होगी, प्रत्येक राज्य के स्तर पर एक बड़ी कंज्यूमर कोर्ट होगी और प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर पर एक कंज्यूमर कोर्ट है। जब हम लोग इन उपभोक्ता अधिकारों की बात करें तो जागरूकता का आंकड़ा कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 90% से अधिक आबादी इन उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखती है, अर्थात उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। और जब शहरी आबादी की बात करें तो आंकड़ा 70% से भी अधिक शहरी क्षेत्र में है। ये हो सकता है कि बहुत से लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के बारे में सुना हो, लेकिन वो लोग वो उचित प्रक्रिया नहीं जानते हैं कि वो इनका प्रयोग कर सके। ऐसे में इस राष्ट्र में कुछ प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। उपभोक्ता का सदैव दुष्प्रचार के माध्यम से शोषण होता है और जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ चुकी है ये शोषण अधिक बढ़ चुका है। इस राष्ट्र में कुछ अहम मुद्दे थे, उन मुद्दों में हाल ही में 2019 में परिवर्तन किया गया है जो एक सकारात्मक हित में है। जब हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं तो भारत के बाजार में इस शोषण की संभावना इसीलिए ट्राई जैसे प्राधिकरण ने भी इस टेलीकॉम के सेक्टर में हो रहे शोषण का भी समाधान किया था। ऐसे में जरूरी है कि देश में जितनी भी नियामक संस्थाएं हैं वो इस पर नियंत्रण रखें। इसी दृष्टिकोण में जब हम बात करें तो कुछ वर्षों पहले एक कंपनी ने मोबाइल बनाने का दावा किया था। वो मोबाइल 251 रुपए का था और उसको फ्रीडम 251 का नाम दिया गया, जिससे संपूर्ण देश में 2 दिन में ही भारी मात्रा में मांग रखी गई, एडवांस पेमेंट लिया गया, लाखों लोगों को अस्थिर किया गया। और जब उस संस्था का अध्ययन किया गया तो सरकार ये 100% जानती थी कि 251 रुपए में किसी भी तरीके से फोन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी चाइना भी इसे निर्मित करने में सक्षम नहीं है। भारत की रिंगिंग बेल्स नामक कंपनी ने जब इस तरीके का प्रस्ताव रखा तो हालांकि सरकार ने प्रोएक्टिव स्टेप उठाते हुए उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया और जांच बिठाई गई। लेकिन जब इन मंशों के पीछे हम लोग अध्ययन करें तो यह अनेक है। अमरपाली ने महेंद्र सिंह धोनी के दुष्प्रचार का प्रयोग कर करोड़ों रुपया इस राष्ट्र के उपभोक्ताओं को उठा है। अमिताभ बच्चन शायद एक ऐसे अभिनेता है जो हर तरीके के उत्पाद को बेचते हैं। बड़ी मुद्दा एक बहस की चर्चा है कि बहुत सी नैतिकता के मुद्दे हैं जो खत्म हो चुके हैं। ऐसे में ये प्रचार करने वालों की नैतिकता खत्म होने से जिनको हम रोल मॉडल अपनाते हैं ऐसे लोगों का दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है।
ऐसे में इस नए कानून में उस हर कमी को पूरी करने की कोशिश वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है। जिस कंपनी रिंगिंग बेल्स ने उस फोन को बनाया या इस तरीके के मन से उसके जागने शुरू हुए, उसके पीछे बहुत से अहम कारण हैं। अहम कारणों में पहले कारण की बात करें तो यदि आपका 251 रुपए का आपने फोन खरीदा है और यदि वो फोन आप तक नहीं पहुंचा है तो आपके लिए उसकी शिकायत करने के लिए आपको नोएडा, जहां उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, वहां जाना पड़ेगा। औसतन ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एक सीकर का उपभोक्ता अगर नोएडा तक पहुंचता है तो एवरेज 2 से 2500 रुपए का खर्चा है। 251 रुपए की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 2500 रुपए का एक दिन का खर्चा। देश का न्यायपालिका कहती है कि 10% से कम मामले ऐसे हैं जिनका उपभोक्ता से संबंधित है और जिनका निपटारा 90 दिन में हो जाता है। बाकी 90% केसेज ऐसे हैं जिनका निपटारा हम लोग 3 महीने में भी नहीं कर पाते हैं। तो यह आंकड़ा यह भी साबित करता है कि यदि आपको 251 रुपए का इंसाफ लेना होगा तो कम से कम 4 से 5 महीने का इंतजार करना होगा। कम से कम आपको 20-30 हजार रुपए आने जाने में निवेश करने होंगे। इसके साथ उस कंपनी के साथ जिसने करोड़ों कमाया है, उसके साथ आपको एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे में देश के उपभोक्ताओं के अंदर ये मनोबल नहीं है। यही कारण है कि हम कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो हम लोग जल्दबाजी में खरीदते हैं, अधिक कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी लाइन लिखी रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई, जो शायद इसी उद्देश्य से लिखी जाती है कि हम जैसे लोगों को नजर ना आ जाए। कुछ को नजर भी आती है तो भी साहस नहीं करते हैं जानने का कि इसके पीछे क्या शर्तें रखी हैं। ऐसे में सरकार ने हाल ही में इस नए अधिनियम में 5 नए अधिकार और जोड़ दिए। जो 6 अधिकार आपके पास पहले से थे उनके साथ साथ 5 नए अधिकार और जोड़ दिए हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण में ये इंफॉर्मेटिव चीजें अधिक इंपॉर्टेंट हैं। जब हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव खास कर बात करें या जो सामान्य तौर पर फेसबुक के माध्यम से या सामाजिक मंच के माध्यम से इन मुद्दों को सुन रहे हैं, उनके लिए जानकारी हेतु भी अति उपयोगी विषय है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, उन 6 अधिकारों के साथ देश की सरकार ने 5 नए अधिकार और दिए हैं। उन अधिकारों में पहले अधिकार की बात करें तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी उपभोक्ता कहीं से भी बैठकर उपभोक्ता मंच पर शिकायत कर सकता है। अर्थात अब आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको नोएडा जाकर या किसी कंपनी की शिकायत करनी होगी या जहां वो कंपनी है उस कंपनी के मुख्यालय में जाकर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे में आप कहीं भी बैठकर ऑनलाइन के माध्यम से या जिस जिले के आप निवासी हैं उस जिले की कोर्ट में जाकर आप लोग केस फाइल कर सकते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी मात्रा में इस देश में परिवर्तन होने की संभावना है। दूसरा अधिकार ये दिया गया है कि आप लोगों के पहले किसी भी तरीके का उत्पाद खरीदने पे अगर नुकसान होता था तो उस उत्पाद की भरपाई की जाती थी, लेकिन उस उत्पाद से हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जाती थी किसी कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा। अर्थात यदि आपने किसी प्रेशर कुकर का प्रयोग किया, किसी कारण से उसमें विस्फोट हुआ, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट प्रेशर कुकर की कीमत दिलाएगी या उससे संबंधित हर्जाना दिलाएगी, लेकिन प्रेशर कुकर से होने वाले मानवीय नुकसान या भौतिक नुकसान की भरपाई सिविल कोर्ट कर सकती थी, कंज्यूमर कोर्ट नहीं कर सकती थी। नया कानून कहता है कि आपको उस नुकसान जो शारीरिक या मानसिक तौर पर या भौतिक तौर पर हुआ है उसका हर्जाना भी कंज्यूमर कोर्ट आपको दिलाएगी। इसके साथ साथ सरकार ने एक और परिवर्तन किया है कि अब जरूरी नहीं है कि किसी उपभोक्ता के साथ शोषण हो वही केस दायर करे। यदि आप योग्य उपभोक्ताओं को ऐसा महसूस होता है कि कहीं भी समाज में कोई दुष्प्रचार चल रहा है, आपको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है या कोई उत्पाद जो गलत तरीके से बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ आप अपने अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं जिला के स्तर पर और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अर्थात उपभोक्ता को अब एक वर्ग के तौर पर दर्जा मिला है। इससे पहले केवल नाम नाम का दर्जा था कि उपभोक्ता मंच होते हैं, लेकिन अब आपके उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ मिलेगा कि कोई भी योग्य या जैसे RTI कार्यकर्ता होते हैं ऐसे उपभोक्ता अधिकारियों के लिए अब एक वर्ग विशेष कार्य कर सकता है। चौथा परिवर्तन ये किया गया है कि आप लोगों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की जा सकती है। यदि मुझ जैसा व्यक्ति सीकर बैठकर किसी दिल्ली की कंपनी के विरुद्ध कोई केस दायर करता है तो मेरी सुनवाई दिल्ली की कोर्ट या सीकर की कोर्ट मेरे घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कर सकती है और उस वीडियो को अब एक सबूत के तौर पर भी माना जाएगा। इस देश में पहले नियम था कि जब तक हम किसी को रंगे हाथ नहीं पकड़ते हैं या गलत कार्य करते हुए नहीं पकड़ते हैं तब तक उसके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब जो वीडियो आपने बनाया है उस वीडियो को भी कानूनी आधार रखा जाएगा। इसके साथ साथ हाल ही में जो 5वें कानून में परिवर्तन किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपने किसी उपभोक्ता ने किसी विक्रेता के विरुद्ध कोई शिकायत की है
और ये वो शिकायत यदि रद्द कर दी गई है या स्वीकार की गई है, तो स्वीकार की गई है तो आपके हितों का सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन यदि किसी भी कारण से रद्द की गई है तो इसमें बहुत बड़ा मसला था कि राजनीतिक दबाव की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से उपभोक्ता न्यायालय भी इन्हें रद्द कर देते थे, परिणाम स्वरूप लोग कम जागरूक होते थे या कम रुचि रखते थे इन न्याय के प्रति। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नया कानून कहता है कि यदि आपने कोई शिकायत दर्ज की है, उस शिकायत को यदि रद्द भी किया गया है, तो उस न्यायालय को यह बताना होगा कि किन कारणों से उस शिकायत को रद्द किया गया है। और किसी भी शिकायत की समय सीमा रख दी गई है कि आपने जो शिकायत की है उस पर 21 दिन के भीतर कार्रवाई शुरू करना बाध्यकारी है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन इस समाज में किया गया है। अगर हम लोग पहले के नियम 1986 की तुलना 2019 से करें तो कुछ नए परिवर्तन हुए हैं। 1986 के अधिनियम के तहत कोई संस्था नहीं थी जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में नियंत्रण करती थी, जैसे चुनाव को चुनाव आयोग नियंत्रित करता है, क्रिकेट को BCCI करता है, ऐसे में एक नियामक संस्था की अभाव थी। तो 1986 के अधिनियम में जो नियामक संस्था नहीं थी उसको 2019 की कानून के माध्यम से नियामक संस्था को बना दिया गया है। इस संस्था का नाम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA रखा गया है। ऐसे में ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण होगा जो दिल्ली से बैठकर संचालित किया जाएगा। ये संपूर्ण भारत में ये देखेगा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए और उनको सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। वर्तमान में दूसरा परिवर्तन ये किया गया है कि पहले जब हम लोग किसी भी कंज्यूमर कोर्ट की बात करते थे तो कंज्यूमर कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया में जो आपके ऑनलाइन जितने भी लोग हैं उन लोगों पर लागू नहीं होता था। यानी आप अमेजन से कोई उत्पाद खरीदते हैं तो अमेजन कंपनी पर लागू नहीं होता था, वह केवल आपने डायरेक्ट सेलिंग जिससे ली है उसी पर लागू होता था। लेकिन नया नियम क्या कहता है कि आपके ऑनलाइन के जितने भी नियम हैं उन पर भी लागू होगा। पुराना नियम क्या कहता है, तीसरा जो संशोधन किया गया है वो ये है कि इससे पहले जिस जगह सामान बेचा जाता था, सपोज करो मुझ जैसा व्यक्ति सीकर बैठकर सामान 28-29 राज्यों में बेचता है, ऐसे में इन 28 राज्यों के किसी भी उपभोक्ता को केवल यही अधिकार था कि वो सीकर आएंगे और सीकर न्यायालय में आकर इस मसले का समाधान करेंगे। या आप कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो आजकल आप बिल पे देखते होंगे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, लिखा तो इस उद्देश्य से रहता है कि आपको नजर नहीं आना चाहिए, पर फिर भी यदि नजर आ जाता है तो आप गौर कीजिएगा, उस पे लिखा रहता है कि विवाद का क्षेत्र सीकर न्यायालय होगा, अर्थात जो भी जिस जगह से वो उत्पाद खरीदा गया है या जहां उसका मुख्यालय है वहां से होगा। गंगानगर में किसी व्यक्ति ने उत्पाद खरीदा और विवाद का न्यायालय सीकर होगा तो न्याय की संभावना नहीं होती है या देरी से होती है, और देरी से दिया गया न्याय न्यायपालिका न्याय नहीं मानती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप जहां के निवासी हैं वहीं कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं या ऑनलाइन भी एप्लीकेशन को दायर कर सकते हैं। इस आधुनिक युग में ये बहुत जरूरी था, जो हमारे लिए एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। चौथा बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि पहले जिला न्यायालय 10-20 लाख तक के मसलों का समाधान करते थे। पहले जिला न्यायालय केवल 20 लाख तक के मुद्दों का ही समाधान करते थे, लेकिन अब ऐसा होगा नए नियम के अनुसार कि 1 करोड़ तक के मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में ही होगी, जिला उपभोक्ता न्यायालय में होगी। दूसरा जो न्यायालय होता है वो राज्य के स्तर पर होता है, उसे राज्य कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं। पहले 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले की सुनवाई राज्य के स्तर पर होती थी, लेकिन अब ऐसा नया नियम है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की राशि का विवाद का निपटारा केवल राज्य के स्तर पर होगा। इसके साथ साथ तीसरा जो परिवर्तन जो नया इस न्यायपालिका के दृष्टिकोण में है कि राष्ट्रीय स्तर की कंज्यूमर कोर्ट पहले 1 करोड़ तक के प्लस मामलों को सुनती थी, लेकिन अब नया नियम है कि 10 करोड़ से अधिक के मामलों को ही केवल राष्ट्रीय कोर्ट सुनेगी, अर्थात आपको न्याय अपने द्वार पर मिलने की संभावना अब बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ जितने भी आधुनिक युग में जितने भी तकनीकी आधारित उत्पाद बेचने वाली संस्थाएं हैं या कंपनियां हैं, उन संस्थाओं पर ये सारे नियम लागू होंगे जो एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं। ऐसे में आप ऑनलाइन भी सुरक्षित हैं और ऑफलाइन भी सुरक्षित हैं। आप कहीं से भी उत्पाद खरीदते हैं तो सरकार आपके हितों की रक्षा करेगी। इसके साथ साथ नया संशोधन का नियम कहता है कि इससे पहले देश में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं था कि बेचने वाले व्यक्ति ने और जिसने खरीदा है यदि उनके बीच में किसी तरीके का विवाद है तो वो निपटारा कर सकते हैं, लेकिन नया नियम कहता है कि कोर्ट आपको खुद अलाउ करेगी कि यदि आप किसी तरीके से कोई मध्यस्थता करना चाहते हैं, अर्थात कानूनी भाषा में राजीनामा करना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति आपको मिलेगी। ये उपभोक्ता के दृष्टिकोण में और कंपनी के हित दोनों में सकारात्मक तरीके से माना जाएगा। इन परिवर्तनों के साथ साथ अब एक और सुनिश्चित किया गया है,
कि प्रत्येक कंपनी जिसने उत्पाद बेचा है उसके लिए एक लाइबिलिटी होगी कि आप उस उत्पाद को बेच रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अर्थात यदि इस नए नियम के अनुसार, जैसे पहले एक विवाद इस देश में बहुत प्रमुख रहा है कि एक एसी बनाने वाली कंपनी ने किसी का उचित नाम लेना कानूनी तौर पर गलत होता है, ऐसे में उस एसी बनाने वाली कंपनी ने जब किसी को एसी बेची तो उसकी जो कंप्रेसर है उसमें आग लगने की वजह से वो कंप्रेसर फट गया और फटने से किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान हुआ। देश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस शुरू हो गई कि इस व्यवस्था का न्याय कौन देगा। अर्थात बनाने वाली कंपनी का दावा था कि वो मशीन है, मशीन को दोषी ठहरा सकते हो, बनाने वाली कंपनी को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। वही न्यायपालिका में उपभोक्ता मांग करता रहा कि क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। ऐसे में एक विवाद का मुद्दा निरंतर बना रहा। पर नया संशोधन क्या कहता है, जिसने उत्पाद बेचा है वो उस उत्पाद के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। यदि आज को एसी का कंप्रेसर फटता है तो बनाने वाली कंपनी ही जिम्मेदार होगी, उसे ही शारीरिक और मानसिक या भौतिक तौर पर जो नुकसान हुआ है वो भरना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है उपभोक्ता के अधिनियम के संरक्षण के दृष्टिकोण में। इन नियमों के साथ साथ बात करें तो किसी भी ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो उसको लोग अपना आदर्श मानते हैं और उसके द्वारा बताए गए कथनों के आधार पर चीजों को देखते हैं। जब भारत की नैतिकता को देखोगे तो भारत की नैतिकता अलग है। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो ज्वेलर्स की कंपनियां हैं उनकी बात करें तो निरंतर विवाद का विषय बनी हुई है। लोग विश्वसनीय होने का दावा करते हैं, लोग पूर्णतः सोने होने की दावा करते हैं। इसके साथ साथ देश में जितना भी उत्पाद बिक रहा है आज केवल झांसी और दुष्प्रचार की वजह से ही बिक रहा है। ऐसे में लोग उन रोल मॉडल को आधार मानकर उन उत्पाद को खरीदते हैं। तो नया कानून क्या कहता है कि जिन लोगों ने उन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया है वो भी उतने ही जिम्मेदार है उस गलत उत्पाद के लिए जितनी वो बनाने वाली कंपनी है। अर्थात अमरपाली के अंदर अब महेंद्र सिंह धोनी को दोषी साबित किया जाएगा क्योंकि उन्हीं के द्वारा दावा किया गया था कि इस फ्लैट में मुझे सुखद नींद आती है, इस फ्लैट में मेरी जीवन शैली सुधर गई है और आप लोग भी इस फ्लैट को खरीदें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हालांकि अमरपाली ने लोगों का पैसा लूटकर उनके जीवन को बदतर बना दिया। इसमें महेंद्र सिंह धोनी का साफ कहना था कि मेरी तरफ से ऐसा किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना ही मैंने लोगों से पैसा लिया। लेकिन नैतिकता कहती है कि आप उतने ही जिम्मेदार हो, लोग आपको देखकर इस तरीके के उत्पाद को खरीदते हैं। तो नया कानून कहता है कि वर्तमान युग में किसी ने भी ऐसा किया, इस संशोधन के बाद यदि किसी ने यह कहा कि इस फ्लैट में सुखद जीवन होता है और अगर वो जीवन सुखद नहीं मिला तो सरकार उस सुखद जीवन बताने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करेगी। ये उपभोक्ता के दृष्टिकोण में अधिक मजबूत किया गया है, खासकर तब जब उपभोक्ता असंगठित है, अजागरूक है। इस तरीके के अधिकारों को देना बहुत जरूरी है। संपूर्ण रिपोर्ट पर हम लोग एक एनालिसिस तैयार करते हैं कि हाल ही में बहुत जरूरी है कि जितना भी गलत तरीके से प्रचार या दुष्प्रचार कर उत्पाद को बेचा जा रहा है इस पूंजीवाद के युग में, और जितना असंगठित और अजागरूक उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, ऐसे में ऐसे कानून की सख्त आवश्यकता थी। तो इस कानून का होना सकारात्मक दृष्टिकोण में है, इस शोषण से वो मुक्त करेगा किसी भी उपभोक्ता को। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस नए कानून के तहत उत्पाद बेचने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी को तय किया गया है। अब वो हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन छोटा लिखे, हो सकता है वो इस उद्देश्य से लिखे कि आप उस चीज को ना पढ़ पाए, लेकिन फिर भी आपके पास ऐसा अधिकार होगा कि अगर कोई भी गलत उत्पाद आपको बेचा गया है तो केवल उत्पाद का ही हर्जाना नहीं मिलेगा, उस उत्पाद से होने वाली या उस सेवा से होने वाली किसी भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से जो नुकसान आपको पहुंचा है उस नुकसान की भरपाई भी वही कंपनी करेगी। ऐसे में हम लोग उनको रेगुलेट करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए कानून में भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। देश की जनता आज भी जागरूक नहीं है, ऐसे में पब्लिक अवेयरनेस एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस दृष्टिकोण में हमें कुछ कदम उठाने हैं। आप और मुझ जैसे योग्य व्यक्तियों को जो आपने सुना, जो मैंने आपको सुनाया, इसे प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, सामान्य लोगों तक इसे शेयर करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ सरकार को अखबार के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें सख्त नियम अपनाने की आवश्यकता है कि उपभोक्ता के जितने भी जो सेलर्स हैं, विक्रेता हैं, उनको अपनी दुकान पे, अपने स्टोर पे उपभोक्ता अधिकारों के संबंधित जानकारियों को देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार को इस जितना भी कर उत्पाद को बेचने से प्राप्त होता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा देश में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। जब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालेंगे तो वर्तमान समाजवाद या पूंजीवाद के युग में पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है। यानी हम समाजवादी दृष्टिकोण यदि अपनाना चाहें तो ऐसा कतई संभव नहीं है कि सीमित संसाधनों के युग में हम समाजवाद को बेहतर तरीके से अपना पाएंगे। ऐसे में
पूंजीवाद को अपनाना आप कह सकते हो कि हमारी मजबूरी है, और इस पूंजीवाद को यदि हम अपनाते हैं तो इसका एक सकारात्मक फायदा होता है कि वर्तमान सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो पूंजीवाद को अपनाने से उपभोक्ता को गुणवत्ता अधिक मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इस निजी युग में अधिक होती है। लेकिन एक कार्टल जैसा समूह काम कर रहा है, कुछ संगठन एक समूह बना लेते हैं विक्रेता, और संगठन बनाकर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। ऐसे में इस पूंजीवाद की जो जो कमियां हैं उन कमियों का निवारण करने के लिए ये कानून बहुत ही बेहतर दृष्टिकोण या दिशा में है। बस आवश्यकता इसी चीज की है कि जिस तरीके से 1986 का कानून 33 साल तक सुस्त था, किसी 10% से भी अधिक लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि 2019 का कानून जो आधुनिक आवश्यकताओं को तो पूरा करता है लेकिन क्रियान्वयन कमी करने में कहीं ना कहीं कमी सरकार की तरफ से रह जाए। उस सरकार को जागरूक भी होना है, उस सरकार को संवेदनशील भी होना है, और उस उपभोक्ता के प्रचार प्रसार पर, उसकी सामान्य जानकारी पर और उसकी साक्षरता पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अब विक्रेताओं को भी ये देखना है कि क्या उनकी नैतिकता होनी चाहिए, किस तरीके का उत्पाद उनको बेचना चाहिए, क्योंकि कंपनियां अनेक हैं जो उत्पाद बनाती हैं, लेकिन एक विक्रेता होने के नाते आपका भी दृष्टिकोण कहता है कि केवल लाभ ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सामाजिक विकास भी आपका एक अहम उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी नैतिकता कहती है कि आपके द्वारा किया गया प्रचार प्रसार, और खास कर तब चुनौती होता है जब अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति किसी MI या रेडमी का एक प्रचार प्रसार करे और अपने ट्विटर पर लिखे कि उनका सैमसंग का फोन हैंग हो चुका है, तो लोग अचंभा करते हैं कि आप यूज स्वयं सैमसंग का करते हो और हमें किसी और का करने का कहते हैं। ये एक नहीं है, जब हम लोग इस प्रतिस्पर्धा के युग में देखेंगे तो आज जब शुरुआत में प्रतिस्पर्धा, जब हम लोग शैम्पू बनाने की या कॉस्मेटिक बनाने की कंपनियों को देखेंगे तो सीमित थी। जब सीमित थी तो एक ही शैम्पू सब काम करता था, वो आपके बाल मजबूत भी करता था, आपके बाल घने भी करता था, आपके बाल काले भी करता था, और आपको डैंड्रफ फ्री भी करता था। लेकिन जब इस प्रतिस्पर्धा के युग में उत्पाद बढ़ चुके हैं तो आज आप देख रहे हैं एक नई समस्या के संकट से गुजर रहे हैं। आपको ये निर्धारण करना पड़ता है कि आप किस तरीके के शैम्पू को खरीदेंगे, क्योंकि एक संकट का दौर चल रहा है। एक ही कंपनी का एक शैम्पू केवल बाल मजबूत करता है, उसी का दूसरा शैम्पू डैंड्रफ हटाता है, उसी का तीसरा शैम्पू आपके बालों को घना करता है। और आज इस देश में हर गरीब की पत्नी संकट में है कि वो किस शैम्पू का प्रयोग करे जिससे इन सभी समस्याओं का निवारण हो। ये केवल और केवल शोषण का ही प्रतीक है जिसमें सरकार की कमी भी नजर आती है, उपभोक्ता के ज्ञान का अभाव भी नजर आता है, और विक्रेता के द्वारा दुष्प्रचार, उनके द्वारा अत्यधिक लाभ कमाना और उनके द्वारा शोषण करने की पद्धति भी समझ में आती है। ऐसे में आवश्यकता है कि इस दिशा में हम लोग इस संरक्षण अधिनियम का सही तरीके से प्रयोग करें और इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाए, क्योंकि इसकी वर्तमान नियम प्रणाली बहुत बेहतर है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करती है। धन्यवाद।